भारत माता की विजय। पिछला देखो तो वंदे भारत जो ट्रेन अच्छी तार उद्घाटन एवं तार उत्साह देखा देखादी खरिया रोड सहर रे आ खरिया रोड सहर रे मध्य उत्साह पालन करिसंती। आम सहित कलाहांडी सांसद अच्छा रेलवे विभाग रो वरिष्ठ अधिकारी अच्छा तार सहित स्थानीय लोक अच्छा सीधा सलख कथा आज्ञा आज ओडिशा गोटे बड़ खबर खुशी खबर केमती देखुं आज जो वंदे बहुत आनंद उल्लास कथा। प्रिय प्रधानमंत्री यशस्वी प्रधानमंत्री कर्मनिष्ठ प्रधानमंत्री ऋषि प्रधानमंत्री आशीर्वाद रे 8,200 कोटी टंकार आज विभिन्न रेल प्रकल्प शुभारंभ करा भित्तिप्रस्तर प्रदान करा तत्संगे संगे प्रथम वंदे भारत ट्रेन पुरी रु हावड़ा हावड़ा रु पुरी शुभारंभ करा ओडिशावासी प्रिय प्रधानमंत्री पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुछंती। आज्ञा आम आउ किसी अधिकारी सहित कथा आउ किसी स्थानीय बासिंदा अच्छा आज्ञा आज ये गोटे विकासमूलक गोटे आपण ओवरब्रिज रही मान्यवर कलाहांडी सांसद भित्तिप्रस्तर उद्घाटन करते कौन कहे खरिया रोड सहर में कौन सब असुविधा रही सहित आज जो वंदे भारत जो ट्रेन उद्घाटन है या कोई आप खुशी देखिए रेल मंत्री जी कुछ दिन पहले खरिया रोड आए थे और उनके जाने के बाद खरिया रोड रेलवे स्टेशन का बहुत ही विकास हुआ है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं। आज हमारे कालाहांडी के माननीय सांसद श्री बसंत पंडा जी के द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया गया और आज सभी खरिया रोड नुआपड़ा जिलावासी यहाँ उपस्थित रह करके ये जो आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ हुआ उसके हम सभी यहाँ पर साक्षी बने। हम पूरे जिला वासियों की ओर से उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। आम सहित तो रेलवे विभाग अधिकारी अच्छा आज्ञा कौन कहे एटा निश्चित भाव में ओडिशा एक खुशी खबर आप जड़े रेल कर्मचारी कौन केमती देखुं रेलवे कर्मचारी हवा सत्वे मुशार ही मु तो पूरी मो घर ही कटक डिस्ट्रिक्ट्रे तो निश्चय आमपे ये बहुत खुशी खबर समस्त कि आम पूरी रू कालकाटा आराम जापर आ जोटा आज आम ऑनरेबल मिनिस्टर रेलवे मिनिस्टर कहते आहरी वंदे भारत ट्रेन सेकेंड भी आसो से नहीं आम बहुत खुशी अच्छा आशा करे निश्चय ओडापी आहरी भल खबर सब आस बहुत खुशी अच्छे खरिया लोड देख बहुत खुशी अच्छे आपण सीधा सलख शुणुते जो ये जो वंदे भारत जो ट्रेन आज उद्घाटन होती तार उत्साह पूरा खरिया रोड सहर देखा मिली नुआपड़ू युधिष्ठिर पटेल अर्गस न्यूज।